भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने स्टेडियम में किया अभ्यास। राजीव गांधी स्टेडियम में अब तक कोई टी20 मैच नहीं हारी है टीम इंडिया। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी थी शिकस्त। हैदराबाद में टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट के नियमों में किए बड़े बदलाव। गेंद पर थूक लगाने पर एक्शन लेगा बीसीसीआई। टायर्ड हर्ट होने के वाले खिलाड़ी को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। बीसीसीआई ने रन रोकने के नियम में भी किया बदलाव। बीसीसीआई के सभी घरेलू मैचों के लिए लागू होंगे नियम। सभी मल्टी डे मैच और लिमिटेड ओवर्स के मैचों में अब नए नियम। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम का भारत दौरे से पहले बड़ा बयान। कहा, भारत में आकर भारतीय टीम को हराना आसान नहीं है। हम भारत में निडर होकर खेलेंगे क्रिकेट। भारतीय टीम को टॉम लाथम का चैलेंज। कहा, टीम इंडिया को देंगे चुनौती। भारत के खिलाफ जीत की दावेदारी पेश करेंगे। 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। रणजी ट्रॉफी में बड़ौदा के कप्तान कृणाल पांड्या की टीम का बुरा हाल। पहली पारी में 90 रन पर गवाए 5 विकेट। मुंबई में के खिलाफ कृणाल पांड्या ने खेली 21 रन की पारी। रणजी ट्रॉफी के ग्रुप बी में गुजरात के बल्लेबाज मनन हिंगराजिया की सेंचुरी। शतकीय पारी के दौरान 2 छक्के और 12 चौके लगाए उर्विल पटेल ने भी खेली अर्धशतकीय पारी। नागपुर में आंध्रा के खिलाफ विदर्भ की हालत खराब। 118 रन पर पूरी टीम ऑल आउट। अथर्व ताइडे और करुण नायर ने किया निराश। आंध्रा की तरफ से केवी शशिकांत ने लिए 3 विकेट। रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ बंगाल की ठोस शुरुआत। सुदीप चटर्जी का शतक। सुदीप कुमार ग्रामी ने की भी लगाई हाफ सेंचुरी। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी और 47 रन के अंतर से हराया। दूसरी पारी में जैक लीच ने झटके 4 विकेट। पाकिस्तान की दूसरी पारी 220 रनों पर सिमटी। पाकिस्तानी टीम ने पहली पारी में 556 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 823 रन पर घोषित की पारी। 267 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में सलमान आगा और आमिर जमाल ने पाकिस्तान के लिए लगाई 50। मुल्तान टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले इंग्लैंड के हैरी ड्रूक को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब। 322 गेंद में बनाए थे धमाकेदार 317 रन। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार। पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद पारी और रनों के अंतर से मिली शिकस्त। इंग्लैंड से मिली हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का गुस्सा। गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीक रहा। कहा, मैच में गेंदबाजों को 20 विकेट लेने होंगे। आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से पीछे। 15 अक्टूबर से सीरीज का दूसरा टेस्ट। पहली जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान ओलीपॉप ने दूसरे मुकाबले में भी जीत की हुंकार भरी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह का रोहित शर्मा के रिटेंशन पर बयान। बोले, मुंबई में रोहित को रिटेन नहीं किया तो आईपीएल ऑक्शन में रोहित पर लगेगी बड़ी बोली। हरभजन सिंह बोले, रोहित अगर ऑक्शन में गए तो कई फ्रेंचाइजी करेंगी, उन्हें खरीदने की भरपूर कोशिश। रोहित एक बेहतरीन कप्तान और शानदार खिलाड़ी। लैक्मे फैशन वीक में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने बिखेरा जलवा। खूबसूरत आधुनिक आउटफिट पहने रैंप वॉक करती दिखी मनु। रैंप पर जलवे बिखेरने के बाद मनु भाकर बोली, यह अनुभव अद्भुत। वॉक के दौरान हुई घबराहट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।